ओलंपिक में दो बार भारत को पदक दिला चुके पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें कम नहीं हो रही। सागर हत्याकांड के बाद अब उन पर एक और गंभीर आरोप लगा है। इस बार सुशील कुमार पर एक व्यापारी ने मारपीट करने का आरोप लगाया। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। छत्रसाल स्टेडियम में राशन सप्लाई करने वाले एक व्यापारी ने सुशील कुमार और उनके साथियों पर मारपीट और पैसे नहीं चुकाने का आरोप लगाया। मॉडल टाउन इलाके में परचून और आटा चक्की की दुकान चलाने वाले सतीश गोयल का आरोप है कि वो सुशील कुमार की दबंगई का शिकार बन चुके हैं। सतीश गोयल ने बताया कि उनके दोस्त इस घमंड में रहते थे कि वो सुशील कुमार जैसे बड़े आदमी के दोस्त हैं और इसके बदले वे कुछ भी कर सकते हैं। सुशील कुमार उनके दोस्तों पर मारपीट करने का आरोप लगाने वाले व्यापारी ने कहा कि वो कोच के कहने पर 18 साल से स्टेडियम में राशन पहुंचाते थे। सतपाल जब कोच थे तब सबसे पहले राशन की डिमांड शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान वीरेंद्र नाम के कोच ने राशन मंगवाया था। बाद में उनका ट्रांसफर हो गया, मैं नए कोच से पैसे मांगने लगा। मेरा कुल 4 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया था। एक दिन अशोक नाम के शख्स ने स्टेडियम बुलाया और सारा बिल ले लिया। व्यापारी का कहना है कि स्टेडियम में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती थी, हमें क्या मालूम था गुंडागर्दी चल रही है। हमें लगता था प्लेयर हैं, खेल कर कमाए होंगे, लेकिन वे लोग कुछ और ही इरादे रखते थे। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के मुख्य आरोपी, दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की 6 दिन की पुलिस रिमांड शुक्रवार को खत्म हो रही थी। दिल्ली पुलिस ने सुशील को दिल्ली की रोहिणी की कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान उसे फिर से 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। हालांकि सुशील के वकील ने इस रिमांड का विरोध किया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि हर 24 घंटे के भीतर एक बार सुशील कुमार का मेडिकल कराया जाए। सुशील कुमार के वकील पुलिस कस्टडी में उससे मिल सकते हैं। यानी सुशील की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, एक के बाद एक कई गंभीर आरोप उन पर लग रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।